रेडी स्टार्ट। भारत में इन दिनों मौसम चिंता की एक वजह बना हुआ है। मौसम के मिजाज में खासा अंतर दिख रहा है। कहीं भयानक लू है तो कहीं वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली में तो अस्थिर किस्म का मौसम है, कभी खूब गर्मी तो कभी राहत की कुछ खबरें। मुंबई का भी ऐसा ही हाल है, तापमान एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो कहीं बारिश राहत बन बरस रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर कुछ दिनों में उत्तर भारतीय राज्यों में गंभीर गर्मी का एहसास होगा, दिल्ली पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि कमज़ोर स्वास्थ्य के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। जो लोग बदलते मौसम के साथ कमज़ोरी महसूस करते हैं या पहले से ही बीमार हैं, उन्हें विशेष रूप से गर्मी से बचने के इंतजाम करने पड़ेंगे। साथ ही जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें भी धूप से बचने के प्रबंध के साथ ही घर से निकलना होगा। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक उमस भरी स्थिति रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पुनः आगाह किया गया है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं या धूप में बहुत समय बिताते हैं उन्हें गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पारा सामान्य से काफ़ी ऊपर चल रहा है, जिसका असर घर से खेत तक साफ दिखाई पड़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है आने वाले दिनों में गर्मी का कहर जारी रहेगा और यह कुछ जगहों पर समय के साथ बढ़ भी सकता है। झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी लोगों को चेताया गया है। कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है पर ज़्यादातर इलाके बारिश के लिए तरसेंगे। गर्म हवा का स्तर भी कम हो रहा है जिससे धरती की तपन बढ़ी है। IMD के महानिदेशक M महापात्रा ने भी बता दिया है कि अगले 7 दिन गर्मी रहेगी। वैसे गौर करने की बात है कि मौसम विभाग ने मई महीने में सामान्य से ज़्यादा तापमान की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि तापमान का असर चुनाव और मतदान पर भी खूब पड़ेगा। मतदान का प्रतिशत अभी भी चर्चा की एक बड़ी वजह बना हुआ है। चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर भी विशेष प्रबंध करने पड़ सकते हैं ताकि दूर से मतदान के लिए आया कोई व्यक्ति प्रतिकूल मौसम की वजह से परेशान न हो। सेहत से कमज़ोर लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि सुबह
के समय ही मतदान कर दें? क्या सुबह और शाम के समय मतदान का समय बढ़ाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो लोगों को मतदान केंद्रों तक जाने में सुविधा होगी। हालांकि यह अच्छी बात है कि चुनाव के प्रमुख चार बड़े चरण पूरे हो चुके हैं। दक्षिण भारत में मतदान संपन्न हो चुका है और वहां अनेक इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। वैसे मानसून के रविवार को दक्षिण अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करने का अनुमान है। यह विडंबना ही है कि मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। यह शायद हमारे देश के भूगोल की ही विशेषता है कि जब उत्तर भारत ताप से तप रहा होगा, तब दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर भारत झमाझम भीग रहा होगा। ब्रह्म